नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस पाप मोचनी एकादशी पर किया जाने वाला एक सबसे सरल और अचूक उपाय शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, एकादशी का व्रत हम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठतम बताया गया है और जो भी मनुष्य अपने जीवन में एकादशी के व्रत को धारण करता है उसे समस्त पापों से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी साल 2023 में 18 मार्च को मनाई जाएगी। इसी दिन जो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे वो धारण करेंगे और व्रत का पारायण 19 मार्च को द्वादशी की तिथि समाप्त होने के पहले कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस एकादशी के व्रत को धारण करने से, व्रत का पालन करने से उस मनुष्य के, उस व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा है उसमें भी यही बताया गया है, पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इस एक एकादशी के व्रत को करने से 1000 गायों के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद श्रीहरि के धाम बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन समस्त पुण्य फलों की अगर प्राप्ति चाहते हैं तो आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर धारण करें। एकादशी देखिए, हर माह में दो आती है और जो पाप मोचनी एकादशी है ये दोस्तों चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और जैसा मैंने बताया, इस एकादशी का व्रत जो भी धारण करेंगे 18 मार्च को करेंगे। 18 मार्च की पड़ रही है एकादशी पाप मोचनी। एकादशी के व्रत में हम सभी जानते हैं कि नियमों का पालना एक दिन पहले से ही हम शुरू कर देते हैं और एकादशी के व्रत में इस दिन जो विशेष पूजा आराधना भगवान श्री हरि विष्णु की हम करते हैं, तो आज के दिन पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। उनके चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करके आप इस व्रत का संकल्प लें और व्रत को पूरी तरीके से भगवान के समर्पण के साथ में संपन्न करें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी में भी अन्य एकादशी व्रतों की तरह आप श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। आपके घर में फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जो भी है आप उनकी पूजा करेंगे। माता लक्ष्मी के संग उनकी पूजा आज के दिन भी की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। तो आपको उनके लिए जो वस्त्र अर्पित करें, जो फूल लेकर आए, जो भोग अर्पित करें, कोशिश करके ये सभी चीज़ें पीले रंग की होनी चाहिए। देखिए, एकादशी का व्रत कई लोग पूरे साल की जो 24 एकादशी और एक मास लगने पर 26 हो जाते हैं तो सभी एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है आम लोगों के लिए। तो ऐसे में आप चुनिंदा एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने पापों से, अपने पूर्व कर्मों से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि आगे का जीवन आपका बहुत ही सफल रहे, श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, तो आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर धारण करें। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को मनाने के लिए हम तरह तरह के उपाय भी करते हैं। पूरे विधि विधान के साथ व्रत के नियमों को पालन करते हुए व्रत संपन्न करने के साथ ही दोस्तों, अगर पाप मोचनी एकादशी के दिन भी आप कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आज मैं आपको एक महा उपाय बताने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी मैं। एक ऐसा उपाय जो आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, हम सभी पूजा में दीपक जरूर प्रज्वलित करते हैं। दीपदान का किसी भी पूजा में बहुत ही महत्व बताया गया है दोस्तों। तो ऐसे में इस पाप मोचनी एकादशी आपको दिन में आपने पूजा कर ली, तुलसी मैया की इस दिन विशेष पूजा कर ली, लक्ष्मी मैया की आपने विशेष पूजा कर ली, शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको एक 9 बातियों का दीपक लगाना है। दोस्तों, ये घी का दीपक होगा और बाती में आप लाल कलावे की बाती आप ले सकते हैं, लाल कच्चे सूत की बाती आप ले सकते हैं। तो 9 बातियों का एक दीपक आपको लगाना है और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में धन संबंधी जो भी संकट है, जो भी समस्याएं हैं, वो उनकी कृपा से समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, आर्थिक उन्नति के लिए, जो धन के बंद द्वार हैं उसे खोलने के लिए पाप मोचनी एकादशी की शाम आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, वो जो दीपक आपने लगाया है वो जब बढ़ जाए, मतलब कि जब समाप्त हो जाए तेल, तो दीपक बुझ जाएगा।
उससे पहले आपको एक अन्य दीपक लगा लेना है और एक बाती का ही आप दीपक ये लगाएंगे और उस दीपक को आपको ये ध्यान देना है कि उस दिन पूरी रात वो जलती रहे अखंड ज्योत की तरह। तो दोस्तों ये जो एक आपने दीपक लगाया है इसे अखंड ज्योत ही हम कह रहे हैं, पूरी रात जलनी चाहिए। और दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपको जो शुभ फल हैं इस पाप मोचन एकादशी पर वो स्वयं ही दिखाई देने लगेंगे। तो एक छोटा सा उपाय है, 9 बातियों का एक दीपक आपको आज के दिन लगाना है, ज़रूर लगाएं और इसका असर आपको स्वतः दिखाई देगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।